फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही सायरा बानो दिलीप कुमार पर फिदा हो गई थी। ये किस्सा है साल 1960 का, जब दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई थी। सायरा बानो फिल्म के प्रीमियर में पहुंची तो उनके सपनों का राजकुमार दिलीप कुमार वहां नहीं पहुंचे थे। सायरा बानो दिलीप कुमार से मिलने का ख्याल भी संजोए बैठी थी, लेकिन दिलीप कुमार प्रीमियर में नहीं पहुंचे। जी हाँ, एक दिन दिलीप कुमार और सायरा बानो ने अपनी मोहब्बत का ऐलान करने का फैसला कर लिया। साल 1966 में दोनों ने किसी को बिना बताए शादी कर ली। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, सायरा और दिलीप कुमार के केस में भी यही हुआ। सायरा बानो ने दिलीप कुमार को देखते ही तय कर लिया था कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। दिलीप कुमार ने उन्हें उम्र के इस फासले के बारे में बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सायरा उनसे शादी करने पर अड़ी रही। जी हाँ, आपको बता दें, सायरा इस कदर दिलीप कुमार के प्यार में दीवानी थी कि उन्होंने दिलीप कुमार को इम्प्रेस करने के लिए उर्दू और पार्शियन तक सीखी। सायरा कभी माँ क्यों नहीं बन पाई, इसके पीछे भी एक वजह है। दिलीप कुमार ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि 1972 में सायरा पहली बार गर्भवती हुई, लेकिन 8वें महीने उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या हुई। इस दौरान बच्चे को बचाने के लिए सर्जरी करना संभव नहीं था और दम घुटने से उस बच्चे का निधन हो गया। बाद में पता चला कि ये बेटा था। इस घटना के बाद सायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। इस दर्द की भरी घटना के बाद दोनों बुरी तरह से टूट गए थे। जब भी बॉलीवुड में लव स्टोरी की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम आता है दिलीप कुमार और सायरा बानो का, सबसे पहले आता है, और दोनों अक्सर हर जगह पर एक साथ दिखाई देते हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।